गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो? इस समय अभी दोपहर का समय है, तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पुराने पुराने घर हैं। और यह है पार्ट 3, एपिसोड 3 है। तो अभी इसके 2 एपिसोड हैं, तो जो लोग अभी नहीं देखे हैं पहला और दूसरा भाग, तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यह लक्ष्मीगंज में पड़ता है, कुशीनगर ज़िले में, लक्ष्मीगंज में। तो यहाँ पे कोई आता नहीं है, इस समय चारों ओर से बंद है, ताले लगे हुए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों तरफ पौधे उगाए हैं, छोटे छोटे, और बड़े बड़े घास भी उगाए हैं। और खिड़कियाँ टूट चुकी हैं यहाँ की, चारों तरफ देख सकते हैं। आम का भी पेड़ है, बरगद का भी पेड़ है, पीपल का भी पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ से देख सकेंगे चलाया गया है दीवार एक तरफ, और एक तरफ लोहे की छड़ से बनाया गया है। और चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं उस जगह में। इधर देख सकते हैं घर खाली ऐसे ही है, यहाँ पर भी नहीं कोई रहता, अंदर भी नहीं जा सकता। और इसमें कीड़े मकोड़े हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, तो इसमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी आप लोगों को। उस आवाज़ को मैंने साइलेंट कर दिया हूँ। और यहाँ देख सकते हैं पुराना खंडहर की तरह महल है ये। और इसी के अंदर चलते हैं, दिखलाते हैं यहाँ पे कैसे रूम है यहाँ पे आज। तो इसी के अंदर हम लोग चलेंगे, देखते हैं किस रास्ते से अंदर जाने का बना है रास्ता। चलिए आगे चलते हैं। तो ये किस ज़माने में बना है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत साल पहले ये बना है। और इसके दीवार भी चारों तरफ से घिरावट हुए हैं और वो टूट चुके हैं। तो जो इसका मेन गेट है वो तो खुला नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है, और ये करीब 20 सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। आप लोग देख ही सकते होंगे कितना पुराना है, और चारों तरफ ग्राउंड में घास उगाए हैं। अक्सर ग्राउंड में छोटे छोटे घास होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के नहीं रहने की वजह से यहाँ पे घास ज़्यादा आ चुके हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। देख सकते हैं, और यहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं। और अब चलते हैं इस खंडहर महल के अंदर, देखते हैं क्या है। बारिश आने की वजह से इसके अंदर पानी भी लग चुका है, और यहाँ चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए, इसी रास्ते से मैं आया हूँ अंदर। अब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं इस घर के अंदर क्या है। तो अब चलते हैं घर के अंदर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, और ये खिड़की में ताला लगा हुआ है। एक रूम से जाकर, और यहाँ देखिए वैसे ही बेड पड़ा हुआ है, सड़ चुका है, और इसमें अंधेरा बहुत ज़्यादा है। इस रूम को देखिए, इस रूम में कितना अंधेरा है, लाइट भी नहीं है इसमें। अब ग्राउंड में देख सकते हैं वहाँ पर भी घास उगाए हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कितना खंडहर की तरह हो गया है ये। और दूसरी तरफ चलते हैं, खिड़की दरवाजे तो टूट ही चुके हैं यहाँ के, तो उसको छोड़ दीजिए। तो इस लक्ष्मीगंज में दुर्गा जी का एक मंदिर भी है, वहाँ का भी वीडियो है, तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में
जाकर देख सकते हैं। और ये इसका अभी दो भाग है, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे भी शेयर करें। अब चलते हैं दूसरी तरफ महल के। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में भी साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जितना दिखा पा रहा हूँ उतना ही आप लोग को देखेंगे। ज़्यादा अंदर नहीं गया, इसमें अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरफ चलते हैं दूसरी तरफ मेन गेट की ओर। यहाँ से देख सकते हैं इसी जो फाटक बना है उसमें फाटक नहीं लगा है, तो मैं उसी फाटक से अंदर आया हूँ। और ये ग्राउंड है, इसमें बबूल के और गाड़ी के नारियल के पेड़ है, और ग्राउंड में एक छोटी सी मूर्ति भी है, देख सकते हैं सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा वहीं पे। और चारों तरफ छोटे छोटे घास उगाए हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यह खंडहर जैसा महल है, वो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कुशीनगर ज़िले में लक्ष्मीगंज पोस्ट है, वहीं पे है। और लक्ष्मीगंज का मिल के नाम से इसे जानते हैं। तो जो लोग कर्मचारी मिल में काम करते थे यहीं पे रहते थे रूम लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड है बड़ा सा, और महल जैसा बनाया गया है। तो यहाँ पे अभी इस समय कोई लोग नहीं रहते हैं, वैसे यहाँ पे करीब 20 सालों से वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो तो पुराने ही हैं, वैसे ही हैं, और जो छोटे छोटे उगाए हैं अधिक समय से बंद होने के कारण यह अंधेरा हो चुका है अंदर रूम के अंदर। यहाँ पे ग्राउंड में एक छोटा सा मूर्ति है, वो ऐसे ही है। और चारों तरफ ग्राउंड के बाहर भी रूम है कर्मचारियों रहने के लिए। तभी भी दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं, उधर सफाई है लेकिन इधर कोई नहीं रहता है, इसी की वजह से इधर उतना सफाई नहीं है और यहाँ पे कोई लोग आते जाते भी नहीं हैं। अब चलते हैं, अभी इधर से निकलते हैं और चलते हैं इसके पीछे, देखते हैं उधर क्या है। तो इसके पीछे से हम आप लोग को दिखलाएंगे वहाँ किस जगह है। तो मेन गेट तो यही है अंदर जाने के लिए, तो वैसे वो मेन गेट खुला नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है और इसकी दीवारें टूट चुकी है, यहीं से देख सकते हैं। तो इसी से हम लोग अंदर गए थे, रूम भी दिखलाए हैं आप लोगों को। तो ये जो इसका पहला और दूसरा भाग नहीं देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद यहीं पे एक बहुत बड़ी टेंपल भी है, मंदिर है, तो वहाँ पर भी मंदिर भी जाकर देखना चाहें तो मंदिर भी आप लोग देख सकते हैं। और छोटे छोटे टेंपल भी हैं, तो उसी का वीडियो लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ से चलते हैं पीछे महल के। तो महल के पीछे से आप लोग देख सकते हैं, तो दूसरी रास्ते से हम लोग गए थे। तो पहला भाग वहीं से आप लोग को मिलेगा, और ये कच्ची सड़क है महल के पीछे से जाता है, तो इधर से भी आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए। देख सकते हैं दोनों तरफ नरकट यानी रीड्स
के पौधे हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं महल खंडर की तरह हो गया है, पुराना हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं मैं गोरखपुर आया हूँ, पीछे लखनऊ की रोड है और उधर से देवरिया जाने वाली रोड है। तो घूमने के लिए आया हूँ, तो अभी आप लोगों ने देखा वो कुसमी जंगल था। रोड से नीचे अधिक खाई है तो खेत है, और कुछ खेत में पानी अधिक लगा हुआ है और कुछ खेत में पानी अभी कम लगा हुआ है। तो यहाँ से गोरखपुर जा रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ पे गोरखपुर में राम गढ़ताल के नाम से ये ताल प्रसिद्ध है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं बाइक पर हूँ और बाइक से कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो चारों तरफ खेत हैं और वो आप लोग देखें तो रामगढ़ का ताल है। अब यहाँ से चलते हैं चिड़ियाघर में, जी में देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे चिड़ियाघर आ चुका हूँ, देख सकते हैं गेट अभी बंद है, खुला नहीं है, क्योंकि शनिवार शुक्रवार और रविवार को बंद रहता है और सोमवार को गेट खुलेगा इसका। तो आप लोग वैसे देख सकते हैं जिराफ और गेट अभी इस समय बंद है। तो आगे चलते हैं, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, और ठीक रोड के सामने ही है ये